सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज की जो वीडियो है गाइस एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बाय चांस अगर मर्करी थर्मामीटर मुंह में टूट जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या किसी को देना चाहिए, साथ ही इसके अंदर का जो मर्करी है गाइस वो एक पॉइजन है और जिससे आपको मर्करी पॉइजन हो सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इसका शरीर में खासकर जो हमारी हेल्थ है उस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, साथ ही जानेंगे कि मर्करी का पॉइजन होने के कारण भी थर्मामीटर में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, साथ ही आपके कुछ मिथ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जो मर्करी है वो तीन तरह का होता है, पहला है ऑर्गेनिक मर्करी, दूसरा है इनऑर्गेनिक मर्करी और जो तीसरा है वो है एलिमेंट मर्करी या फिर इसे मेटैलिक मर्करी भी कहते हैं। और जो हमारा थर्मामीटर है इसमें एलिमेंट मर्करी यूज़ होता है। और गाइस इस थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी है वो 0.61 ग्राम के अराउंड होता है। और गाइस जो मर्करी है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो -38.83 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और गाइस अगर इसके वर्ड की बात करें तो मर्करी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे हाइड्रा जारम कहते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रा है उसका मतलब है फ्लूड या वाटर और जायरम का मतलब है सिल्वर। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो डेंसिटी है गाइस वो 13.56 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। मतलब अगर आप 1 लीटर पारा लेते हैं तो अगर उसका आप वज़न करेंगे तो वो आपको 13 किलो 560 ग्राम कुछ की आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि थर्मामीटर में मर्करी को क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस थर्मामीटर में मर्करी को तीन कारण हैं जिसके कारण थर्मामीटर में मर्करी को यूज़ किया जाता है। पहला कारण है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं गाइस उनको गर्म करने पर या उनको ठंडा करने पर वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब कि वो फैलते हैं गर्म करने पर और ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो पारा है जो मर्करी है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जिससे एक जो नली है अगर उसमें मर्करी को हम डालते हैं तो ये ईजिली अप और डाउन हो सकता है। इसी कारण से मर्करी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। और गाइस जो दूसरा कारण है वो है इसका कलर। इसका जो कलर है ये ब्राइट सिल्वर कलर का होता है जिसके कारण इसको आसानी से देखा जा सकता है। और गाइस जो तीसरा कारण है वो है इसकी डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 13.56 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब आप इसको शेक करेंगे तो ये डाउनवर्ड हो जाता है, मतलब कि नीचे हो जाता है, जिससे आप इजीली दोबारा से तापमान की रीडिंग को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाय चांस अगर थर्मामीटर मुंह में टूट जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपके हेल्थ स्टेटस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो गाइज पहली बात तो ये है कि जो थर्मामीटर में मर्करी है वो एलिमेंट मर्करी यूज़ हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मर्करी हैं वो तीन तरह के होते हैं, एलिमेंट मर्करी जो कि हमारे थर्मामीटर में है, दूसरा है ऑर्गेनिक मर्करी और तीसरा है इनऑर्गेनिक मर्करी। और गाइस इन मर्करीज में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक और पॉइजन जिसमें होता है वो है ऑर्गेनिक मर्करी। जो ये मर्करीज हैं गाइस ये शरीर में 4 तरीकों से शरीर में एंटर होते हैं जिससे आपको मर्करी पॉइजन देखने को मिल सकता है। पहला तरीका है स्किन अगर उसको एब्जॉर्व कर लेती है, दूसरा तरीका है अगर हम इसको खा लेते हैं, तीसरा तरीका है अगर हम इसको पी लेते हैं,
और जो चौथा तरीका है गाइस, अगर हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो गाइस जो ऑर्गेनिक मर्करी है अगर आप उसको हाथ में लेते हैं तो ये हमारे हाथों से हमारे शरीर में एंटर हो जाता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। या फिर बाय वेपर्स भी अगर हम इसे इनहेल करते हैं मर्करी को, तो ये हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर देती है, जिससे ये हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाती है। वहाँ पर ये डीएनए को डैमेज करती है, जिससे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। जो व्यक्ति है उसको कैंसर तक हो सकता है, ALS हो सकता है, पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ तक हो सकती है। ये कार्डियक सेंटर तक भी पहुंच जाता है, मतलब कि जो दिल है वहां पर पहुंचकर ये कार्डियोमायोपैथी कर सकता है, और जो दिल के टिश्यूज़ हैं उसको ये स्टिफ और थिक कर देता है। साथ ही ये जो किडनी फंक्शंस है उनको भी डिस्टर्ब कर देता है, जिससे किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है। साथ ही एब्डोमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक पेन और स्टमक अल्सर, ब्लीडिंग तक, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग तक देखने को मिल सकती है। साथ ही जो पेशेंट का हेल्थ स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो गाइज ये सारी कंडीशन आपको ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक मर्करी की कंडीशन में देखने को मिलती है। लेकिन जो आज की हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट मर्करी के ऊपर है, और थर्मामीटर में जैसा मैंने आपको बताया कि मर्करी इसमें 0.61 ग्राम के अराउंड होता है, और ये मर्करी काफ़ी स्लीपी होता है। अगर बाय चांस इसको मुंह में लेकर कोई निगल लेता है तो पहली बात तो है कि उसको कोई भी साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइज, उसको बिल्कुल भी साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कई बारी पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है या फिर डायरिया, वोमिटिंग हो सकती है, और कई केसेस में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है मर्करी थर्मामीटर को लेकर कि उसके मुंह में टूट गया है और उसने निगल लिया है मर्करी को, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये उसके साइको के कारण होता है उसको कॉन्स्टिपेशन। तो जो थर्मामीटर है उसमें मर्करी की क्वांटिटी गाइज ऑलरेडी कम है, तो आपको किसी भी प्रकार के कोई साइन और सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। लेकिन कई कई पेशेंट्स में आपको कुछ साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर है नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर का 1800-11-6117, जो कि 24/7 आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही गाइस, अगर आपने कुछ मिथ सुने होंगे मर्करी थर्मामीटर के बारे में, उसके रिगार्डिंग कि अगर थर्मामीटर मुंह में टूट जाता है तो ये एक जहर है जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर कैंसर हो सकता है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर जो मर्करी है बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, और अगर किसी को पॉइजन होगा ना तो उसको कम से कम आधा किलो मर्करी, ठीक है, एक बावल में लेना होगा और उसको अपनी नाक के पास रख कर कम से कम एक घंटा उसको रखना होगा, ठीक है। रखने के बाद उसको पॉइजन हो सकता है इनहेल के थ्रू। लेकिन गाइस जो इसमें ऑर्गेनिक मर्करी है ये काफ़ी डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जो हमारा एलिमेंट मर्करी है जो थर्मामीटर में यूज़ होता है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ हैं, तो आप इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लेकिन गाइस अगर आपके मुंह में कांच है जो थर्मामीटर टूट चुका है तो आप उसको निकालने की कोशिश करें, और अगर आपने बाय चांस इस कांच को निगल लिया है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, आपको उसके रिगार्डिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज़ मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।